तो वहाँ जो है तो ऊपर जाके उन्होंने जैसे ही दरवाज़ा नॉक करके वो खोला उसको, तत्काल जो मुख्य ऑनर उनकी वाइफ है वो जग गए और उन्होंने तेज़ी से आवाज़ करना शुरू किया तो वो लोग एक हाथापाई की स्थिति बनी जिसमें उन्होंने रॉड से हमला किया तो उनके सिर में चोट आई है, जो उनकी वाइफ है उनको भी हाथ में और सिर में मामूली चोट है। उसके बाद वो नीचे आए तो नीचे जो उनके साले हैं उन्होंने एक आरोपी को पकड़ भी लिया था और हाथापाई भी हुई, उसको दबोच भी लिया था बता रहे हैं। लेकिन बोले हैं कि जैसे ही वो बाहर गए तो उन्होंने पत्थर फेंकना शुरू किया, तो पत्थर फेंकने के कारण वो फिर उनको छोड़ना पड़ा और वो लेकिन इसका लाभ लेके भाग गए। घटना में मुख्य रूप से 2 मोबाइल फ़ोन और 3000 रुपये और एक सोने की बच्ची की अंगूठी है छोटी सी, वो गई हुई है। और घटना की सूचना मिलते ही रात में ही जैसे ही ये घटना हुई और पुलिस को सूचना मिली, पुलिस की तमाम पार्टीज वहाँ पहुँची, हम लोग भी सभी शिवरात्रि ड्यूटी करने के बाद पहुँचे थे, तत्काल उठे और सभी लोग रात में ही घटनास्थल पहुँच गए। FSL, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड सभी ने घटनास्थल का विजिट किया, सीनियर ऑफिसर्स ने, DIG साहब, SP साहब ने घटनास्थल का विजिट किया और लगातार हमारी 4 टीमें इसमें लग गई हैं जो कि घटना को क्रैक कर रही हैं। हम लोगों को आरोपियों का ट्रैक तैयार करने में एक सफलता मिली है जिसके आधार पर कुछ संदेहों के भी जानकारी हाथ लगी है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम इस घटना खुलासा कर लेंगे। सुरक्षा को लेकर किस तरह की व्यवस्था थी वहाँ पर कॉलोनी में? वैसे तो बता रहे हैं कि शायद रात में 14 गार्ड काम करते हैं, CCTV कैमरे तो बंद बता रहे हैं और जहाँ जिस पोर्शन में कॉलोनी की घटना हुई है वहाँ तो कोई CCTV कैमरा नहीं बताया है, लेकिन बाहर कुछ कैमरे हैं जिनकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनका फीड मिले, लेकिन अपर्याप्त CCTV कवरेज उस कॉलोनी में पाया गया जबकि कॉलोनी पॉस कॉलोनी अच्छी कॉलोनी है। तो हम लोग उनसे सभी को ये हिदायत भी देंगे कि सभी लोग प्रॉपर CCTV कवरेज रखें और सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें। सर, अपने द्वारा लगभग कितने CCTV टेस्ट निकाले गए और सर क्या बंदी बना के मारा जा सकता? बंदी बनाने जैसी स्थिति नहीं, जैसा कि मैंने आपको पूरी घटना बताई एज सच ऐसे ही घटना हुई है जो फरियादी ने बताई है कि वो एंटर करते हैं, उसके बाद ऊपर नीचे इनसे बात करने के बाद ऊपर जाते हैं, जैसे ही ऊपर जाते हैं तो ऊपर से वो चिल्ला चोट करते हैं, जैसे चिल्ला की आवाज़ आती है चिल्लाने की तो नीचे जो के साले हैं वो भी अलर्ट होते हैं और वो फिर मिलके ये लोग हाथापाई की स्थिति बनती है और उसको दबोच लेते हैं आरोपी को, देन आरोपी भागने के प्रयास में पथराव करते हैं, पत्थर चलाने की स्थिति में छोड़ देते हैं तो भाग जाते हैं। कितने लोग हैं इस प्रकार की घटनी? इसमें मुख्य रूप से जो चोट लगी है वो घर के जो ऑनर हैं उनको लगी है, उनको नाक और आँख के बीच में चोट है, रॉड से मारना बताया उन्होंने, बाकी मामूली चोटें उनकी पत्नी और साले को आई हैं। ये उमेक सिल्स बताया कि